नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रीगुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत के मिशन अंतरिक्ष की करते हैं। एक वो दिन था जब देश के वैज्ञानिक भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग साइट तक लेकर गए थे, और एक आज का दिन है जब भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ ऐसे स्पेस मिशन को मंजूरी दी है जो अंतरिक्ष में भारत के सितारे को और भी बुलंद कर देंगे। कैबिनेट ने जिन स्पेस मिशन को मंजूरी दी है उसमें पहला है चंद्रयान 4। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद चंद्रयान 4 में अब इसरो का लक्ष्य और बड़ा हो गया है। जहां चंद्रयान 3 में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग मुख्य मिशन था, तो वहीं चंद्रयान 4 का उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट को चांद पर उतारना और सैंपल कलेक्ट कर धरती पर सुरक्षित वापस लौटाने का है। इसीलिए इसरो काफी समय से तैयारी कर रहा था। इसके अलावा कैबिनेट ने मिशन गगनयान को विस्तार देते हुए अंतरिक्ष में भारत के स्पेस स्टेशन को स्थापित करने का मिशन भी अब इसी में जोड़ दिया है। मिशन गगनयान के जरिए भारत अंतरिक्ष में पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट जिस एक बेहद खास मिशन को मंजूरी दी है वो है वीनस ऑर्बिटर मिशन। चांद, मंगल और सूरज के बाद अब भारत पहली बार शुक्र ग्रह के लिए अपना मिशन लॉन्च करने वाला है। यह मिशन धरती के सबसे नजदीकी ग्रह के दिलचस्प राज खोलेगा। शुक्रयान को मार्च 2028 में लॉन्च करने की तैयारी है। चांद तक बड़ी डगर, अब शुक्र पर है नजर। चांद और मंगल के बाद अब इसरो की नजर शुक्र ग्रह पर है। चंद्रयान और मंगल यान की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। मिशन मून और मिशन मंगल के बाद अब भारत मिशन वेनस शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसरो के इस बेहद अहम मिशन को हरी झंडी भी मिल चुकी है। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब, आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है, और वहाँ की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। कैबिनेट में शुक्र ग्रह पर अलग अलग तरह की रिसर्च और स्टडी के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी गई है। VOM यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत एक खास स्पेस क्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो सिर्फ शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए ही उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ताकि शुक्र ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल और उस सूरज के प्रभाव को समझा जा सके। माना जा रहा है कि ये मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि उस समय शुक्र ग्रह धरती के सबसे नजदीक होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 1236 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया है। मिशन है वीनस ग्रह को स्टडी करने के लिए। वीनस एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, सो उसका सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सरफेस में टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री के ऊपर है। इतना क्यों हॉट है करके एक मिस्ट्री है। ऑफ कोर्स लोग बोलता है एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग अंदर हो रहा है करके, सो उसको स्टडी करना एक्चुअली अर्थ का क्लाइमेट के ऊपर और गहरे से अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करेगा, इसलिए बहुत लोग वीनस के बारे में स्टडी करने के लिए कोशिश कर रहा है। शुक्र ग्रह पर ऐसी बहुत सी जानकारी छिपी हुई है जो हमें पृथ्वी और ग्रहों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। कहते हैं कि एक वक्त था कि जब शुक्र ग्रह पर भी जीवन मुमकिन था, वहाँ भी जीवन की कल्पना की जा सकती थी, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गई। कभी शुक्र पृथ्वी जैसा था, लेकिन आज वहाँ पृथ्वी पर जीवन पनपा हुआ है, तो शुक्र एक तरह का नर्क है। अब वहाँ का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा पड़ा है।
वायुमंडल में तापमान भी बहुत ज्यादा है। सतह पर वहाँ तापमान हमेशा 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से जारी रही तो एक दिन पृथ्वी भी शुक्र की तरह हो जाएगी। इस लिहाज से शुक्र का अध्ययन पृथ्वी के पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। शुक्र ग्रह का स्टडी में एक मुख्य लक्ष्य ये है दैट शुक्र ग्रह का वातावरण कैसा हो रहा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एंड उसका सभी टाइम क्लाउड कवर, धरती में क्लाउड आप देखा तो उसमें पानी है बट उधर सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्लाउड कैसा फॉर्म हो रहा है। देन शुक्र ग्रह का सतह पर रीसर्फेसिंग हो गया है, उसका मतलब दैट इज पहला एक तरीके से था, देन उसके बाद उसको परिणाम हुआ, वो परिणाम कैसा हुआ, क्या हुआ, इस तरह से स्टडी करना है। दरअसल शुक्र ग्रह को जानने की दिलचस्पी दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में है। साल 1960 से शुक्र ग्रह स्पेस साइंस की दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है। अलग अलग देशों से अब तक कुल 46 मिशन वहां जा चुके हैं। इसमें अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप भी शामिल है। अब चीन भी वहां जाने की तैयारी कर रहा है। कहते हैं अंतरिक्ष में ना जाने कितने ही रहस्य, कितनी ही पहेलियां और कितने ही सवाल दफन है जिनकी तलाश में तमाम वैज्ञानिक दिन और रात लगे रहते हैं। वीनस भी उसी कौतूहल का हिस्सा है क्योंकि समान आकार और संरचना के कारण शुक्र को पृथ्वी का ट्विन प्लैनेट यानी जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शायद यही वजह है कि मिशन वीनस बेहद अहम साबित हो सकता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 40 करोड़ किलोमीटर है, यानी हमारे सबसे नजदीक। इसलिए इसकी स्टडी से कई नई जानकारियां मिलने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुक्रयान के बाद अब बात चंद्रयान की करते हैं। अभी हाल ही में देश ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की पहली सालगिरह मनाई है। अब इसरो देश को चंद्रयान 4 की गुड न्यूज देने की तैयारी कर रहा है। इसरो मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी काफी दिनों से कर रहा है। चंद्रयान 3 की चुनौती अगर बड़ी थी तो चंद्रयान 4 की चुनौती और भी बड़ी और पहले से कड़ी है। अब की बार इसरो का मिशन है चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान को धरती पर सुरक्षित वापस लाना। फिर से गूंजेंगी वही तालियां। Go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan 3. So that is what is brought in here. Chandrayaan 4 mission ko 36 mahinon mein pura kiya jayega.
इस मिशन के लिए सरकार की ओर से 2104.06 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया गया है। इसमें चंद्रयान 4 का स्पेसक्राफ्ट LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने वाला स्पेस नेटवर्क डिजाइन किया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन एक बार में लॉन्च नहीं होगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद डॉकिंग के जरिए इसके दोनों मॉड्यूल्स को जोड़ा जाएगा। भारत डॉकिंग की तकनीक तेजी से डेवलप कर रहा है। इस तकनीक के प्रदर्शन के लिए साल के आखिर तक स्पीडएक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये तकनीक हासिल करने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो अंतरिक्ष में डॉकिंग की काबिलियत रखते हैं। We need to have different elements of the Chandrayaan 4 that need to be connected and assembled in orbit. When human beings went to moon for the first time in the US vehicle, they had to do the similar exercise of docking and reconnecting in orbit. And also on moon, they have to go down and come back and dock to the mother craft at the orbit of the moon. Similar process need to be followed for Chandrayaan 4, even when you want to collect some samples from the surface of the moon. So that technology related to docking, connection, disconnection and reconnection will definitely be part of Chandrayaan 4 mission. ISRO ne Chandrayaan 4 mission ke liye puri taiyari kar li hai. Chandrayaan 3 ki tarah hi is baar bhi yaan ka orbiter antariksh mein rehkar chand ka chakkar lagayega aur rover ko chand par land karaya jayega. लेकिन चंद्रयान 3 से ये मिशन बिल्कुल अलग रहने वाला है, क्योंकि इस बार लैंडर सैंपल कलेक्ट करने के बाद दोबारा ऑर्बिटर में डॉकिंग करेगा और ऑर्बिटर वापस धरती पर लौट आएगा। चंद्रयान 4 इज ऑफ कोर्स द डिटेल्स आर नॉट मेनी डिटेल्स आर अवेलेबल बट अवेलेबल डिटेल्स विद व्हिच इफ यू लुक एट इट इट्स अ वेरी एंबिशियस प्रोग्राम. It spans over 12 years time frame. I think they are planning to put an Indian using our own vehicle on the moon during the year 2040. And 2028, they are talking about the Chandrayaan 4 landing on the moon. Of course, Chandrayaan 4 is defined in the sense that it will be more or less like Chandrayaan 3, but the difference is that this time it will not only land on the moon, but also it will take samples from the moon and then bring back to Earth. Of course, they are talking about a rover which will weigh something like about 350 kilograms, and that can travel large areas. Of course, this time they are also trying to land in the southern pole. चांद की सतह से टेक ऑफ से लेकर धरती के वायुमंडल में दोबारा एंट्री और सतह पर लैंडिंग तक की ये प्रक्रिया बेहद जटिल है। हम जब धरती से रॉकेट का प्रक्षेपण होते हुए देखते हैं तो काउंटडाउन होता है, फिर रॉकेट के नीचे लिक्विड ईंधन की आग निकलती है और अगर किसी खामी का पता चल जाए तो मिशन को रोक दिया जाता है। लेकिन चांद पर ये पूरी प्रक्रिया ऑटो मोड में पूरी होगी, साथ ही रॉकेट की पृथ्वी पर वापसी भी एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। चंद्रयान 3 ऑफ कोर्स पॉसिबली यू वुड हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड हाउ इट गोज टू फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट टू मून ऑर्बिट, स्लोली प्रोग्रेसिवली रेसिंग इट ऑर्बिट एंड फाइनली रीचिंग द मून। बट फॉर चंद्रयान 4 देयर इज अ ह्यूज चैलेंज। वी नॉट ओनली हैव टू गो एंड लैंड ऑन द मून, कलेक्ट द सैंपल, take off from the surface of the moon like a rocket, go to the orbit of moon, raise its orbit to reach Earth, not only to reach Earth, but it has to finally land on Earth. Landing on Earth is much more difficult and equally challenging than landing on the moon surface, because there is no atmosphere on moon, but on Earth there is an atmosphere and we need to overcome the atmospheric drag and heat, etc. So it will be a complex re-entry process. चंद्रयान 4 अंतरिक्ष में भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। चंद्रयान 4 के जरिए इसरो अंतरिक्ष में डॉकिंग, अनडॉकिंग, लैंडिंग और सैंपल के साथ सुरक्षित वापसी जैसे मिशन को अंजाम देगा।
ये सारी प्रक्रियाएं इसरो को 2040 तक चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट उतारने के सपने के कुछ और करीब ले जाएगा। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर इंसान को पहुंचाने और बसाने के इस सपने का पीछा कई दशकों से कर रही है। पिछले साल नासा का आर्टेमिस अभियान भी उसी सपने की ओर इंसान का एक बड़ा कदम था। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प और रोमांच से भरा होगा कि हमारा इसरो इस सपने को कैसे पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे। देखिए, अगर अंतरिक्ष में अपना स्पेसक्राफ्ट भेजना अपने आप में बेहद मुश्किल है, तो अंतरिक्ष यान में इंसानों को भेजना उससे भी कहीं बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती पर खरा उतरने की कवायद है भारत का मिशन गगनयान। कैबिनेट मीटिंग में इसरो के मिशन गगनयान को विस्तार दिया गया है। अब अंतरिक्ष में भारत का स्टेशन बनाने का अभियान भी मिशन गगनयान का ही हिस्सा होगा। इसके साथ ही मिशन गगनयान के बजट को भी दोगुना कर दिया गया है। चांद की दहलीज लांघने के बाद से इसरो अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान की तैयारी में जुटा है। ये भारत के लिए अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस मिशन के जरिए पहली बार इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस में इंसानों को भेजने में कामयाब रहे हैं। इस मिशन की सफलता के बाद भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन अब इसरो के मिशन गगनयान का दायरा बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने गगनयान प्रोग्राम का दायरा बढ़ाकर BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के डेवलपमेंट को भी मंजूरी दे दी है। गगनयान प्रोग्राम अभी चल रही है। हमारा पहला मिशन जो एस्ट्रोनॉट के साथ होगा उसका शेड्यूल भी दिया है। फॉर यही प्रोग्राम जो अनाउंस अब किया है कि गगनयान प्रोग्राम का गोल्स में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी डाला। अब तो इस मिशन का नंबर तो सिर्फ एक था पहले, अब नाउ 5 मिशंस करना है हमको, लॉन्च करना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ डॉकिंग और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वहाँ डॉकिंग करना है। ये सभी मिशन उसमें डाला है और इसका स्कोप एक्सपेंड किया। रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम में BAS-1 यूनिट समेत 8 मिशन शामिल हैं। इसे दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना है। नए बदलाव के बाद गगनयान प्रोग्राम की टोटल फंडिंग को 11,170 करोड़ रुपए बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 5 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया जाएगा। इसके सभी हिस्सों को अलग अलग स्पेस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में सभी हिस्सों को डॉकिंग के जरिए जोड़कर 2035 तक पूरा स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया जाएगा। स्पेस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद भारत साल 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। ये योजना सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है। बता दें कि अभी धरती के लोअर ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में केवल 2 स्पेस स्टेशन मौजूद हैं। इनमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से बनाया गया था। इसके अलावा चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन फिलहाल अंतरिक्ष में मौजूद दूसरा ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन है। चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित है और इसके 3 मॉड्यूल हैं। अब भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाकर अंतरिक्ष की महाशक्तियों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के साथ इसरो तेजी से मिशन गगनयान की तैयारी में लगा है। मिशन गगनयान में भारत के गगन यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। मिशन गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डे टुडे।
और चलिए हम आइए जेएनटी स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।